नमस्कार पहला दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ चने के चटपटे और स्वादिष्ट डुबके। सबसे पहले चने को 4-5 घंटा भिगाने के लिए रख दें। जब ये भीग जाए तो मिक्सी की सहायता से इसको बारीक पीस लें। अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लें, साथ में टमाटर भी काट लें बारीक बारीक। चलिए डुबके बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालें, जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें जीरा भूनने के लिए डाल दें और साथ में लाल मिर्ची भी डालें। साबुत लाल मिर्ची डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हल्का हल्का मिर्च का फ्लेवर आता है। जब मिर्च भुन जाए, अदरक और लहसुन का इसमें पेस्ट डाल दें और इसको अच्छी तरह भून लें। जब ये ब्राउन कलर का हो जाए तो इसमें टमाटर डाल दें। टमाटर को भी अच्छी तरह भून लें। जब टमाटर गलने लगे तो इसमें तेज पत्ता डाल दें। उसके बाद पीसे हुए चने को भूनने के लिए डालें और इसको खूब अच्छी तरह भून लें, बिल्कुल हल्का हल्का ब्राउन होने तक। अब ये भुन गया है अच्छी तरह। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्च, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच नमक ऐड कर दें और खूब अच्छी तरह इसको चला दें। वैसे दोस्तों तो डुबके आप किसी भी कढ़ाई में बना सकते हैं, लेकिन अगर आप लोहे की कढ़ाई में डुबके बनाएंगे तो डुबके बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक बनेंगे। ये उत्तराखंड की रेसिपी है चने के डुबके, एक बार आप ट्राई जरूर करें। ऐसा आपको लगेगा कि हम बार बार बनाएं और बार बार खाएं, इतने स्वादिष्ट होते हैं। इसको रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। लेकिन बनाते समय ये ध्यान रहे कि एक तो ये हल्की आंच में बनाना है, हल्की आंच में इसलिए कि उबाल आ जाता है, उबाल आके गिर जाएगा, इसलिए हल्की आंच में बनाएं और बीच बीच में इसको चलाते रहें। ये हमारे डुबके तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ, हरा धनिया, अगली वीडियो में मैं एक नई जानकारी के साथ आपके सामने फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार पहला।